मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ, मेरठ दक्षिण से सपा रालोद प्रत्याशी आदिल चौधरी इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी वजह बना है वह वीडियो जिसमें वह सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें आश्वस्त किया गया है कि सरकार बन रही है, जिस तरह से हम पर जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा। इस वायरल वीडियो पर एसपी सिटी ने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है, यदि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उस वीडियो को जितना मैंने देखा है उसके बाद उसका परीक्षण करने के लिए हम लोगों ने इसको जो है इसको लीगल परीक्षण इसका कराया जा रहा है कि इसमें क्या कोई इस प्रकार की बात है, तो उसको उसका परीक्षण करके यदि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती है, तो निश्चित रूप से जैसे सबके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इनके विरुद्ध भी की जाएगी। हमने देखा, एक वीडियो देखा ट्विटर पे हमको मिला था, उस ट्विटर पे हमने देखा वीडियो, हमको संदर्भित किया गया था। किसका वीडियो, क्या उसके अंदर आपने, मैं आपको बता दिया ना मैंने, जो उसमें उसमें कुछ बातें उन्होंने कही है, अभी मेरे द्वारा उसको यहाँ रिपीट करना तो ठीक नहीं है। ये श्री आदिल चौधरी जो मेरठ दक्षिण से है, उनका वीडियो बताया जा रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है, यदि उसमें कोई ऐसी बात आएगी जो कि अवांछनीय है, जो कि किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उस पर विधिक राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते क्या कहा है आदिल चौधरी ने। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये हमारे साथ जुर्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। आपने देखा कि आपके बराबर में जो राजकीय इंटर कॉलेज है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।